गुड मॉर्निंग सर। अभी हम लोग आ गए है हाउस के भी बॉय रूम बॉय सफाई करेंगे। पूरा सफाई करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ता है रूम बॉय पूरा सफाई करना पड़ता है। सफाई सफाई ये देखो पूरा धूल हो गया। रूम बॉय का काम ऐसे रहता है इधर पूरा कितना किधर कचरा है पूरा साफ करना पड़ेगा। देखिए ड्यूटी चला गया ड्यूटी चला गया ऐसे छोड़ गया। साफ करने का सब सेटिंग कर रखना पड़ेगा। देखिए पूरा ऐसे ही पूरा ब्लैंकेट से पूरा अच्छा से सेट करने का इधर पिलो कवर बेड फर्स्ट आपको बेड देखना पड़ेगा। बेड साफ फेंकनी है और बेडशीट मैं टॉटी होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अब पूरा एक ब्लैंकेट को इधर का जो स्टाफ है वो ड्यूटी चला गया होगा पूरा साफ करना पड़ेगा। इधर इस तरह से अब पिल्लो पिल्लो को भी सेटिंग करना पड़ता है। ये हम लोग का काम है सब और टेबल टेबल चेयर सब साफ करना पड़ता है। सब बात नहीं है डेली का रोज का साफ है। ये जिस रात को टेबल है टेबल इधर सर ने पूरा लैपटॉप इधर रख के चला गया साफ करेंगे कोई बात नहीं। जिधर जो सामान है उसे उधर रखने का इधर उधर नहीं करने का ठीक है। देखिए इसे रहता है गल्फ में पूरा साफ करना पड़ेगा। आज बाहर में बहुत धुला आया था बहुत धुला आया था धुला चलते पूरा इधर डूब गया और हो गया। और देखिए क्या क्या साफ करना पड़ता है इधर पूरा साफ करना पड़ेगा। बहुत धुला है बहुत दिन से साफ नहीं किया लॉकर जैसा ऐसे रंग में साफ करने का साफ करने का बाद नीचे भी साफ करना पड़ेगा करने का या तो नीचे भी साफ करना पड़ेगा। मरेगा ड्यूटी कर करके कचरा है क्यों दीवार करने ही आ रहे। इधर भी पूरा डॉटी हो गया। अच्छा साफ करना पड़ेगा इसका रूम है। यहाँ पर टॉयलेट है। अच्छा अच्छा टॉयलेट में पूरा साफ। अरे मैंने तो ऐसे ही कर दिया फोन पर शाम भाई घर पे पहुंच गए होंगे आराम से मैंने चलो इस तरह से साफ रहता है। मैं दुलो हो गया कोई बात नहीं तो दो सारी इतना हुआ था। थोड़ा साफ करना पड़ता है मेरा है ना यहाँ का नंबर है ना मेरे यहाँ का लास्ट में 4-6 है ना ये भी आठ अंक है ना इधर मोबाइल नंबर आठ अंक है। पूरा साफ करना
ऐसा वैसे बस क्या सुनाना, चलो यार चलो चेक करना पड़ेगा। मैं सोचा घर पे होंगे यार तुम। अरे खाक यार, वो क्या वो नहीं चलता ना, नेटवर्क नहीं रहता मेरे फोन में, चलता नहीं है नेट इधर। जैसे सिग्नेचर मारने गया ना ऑफिस से, चलते हैं चलते हैं। टॉयलेट बाथरूम सब साफ करना पड़ेगा, बेड भी जितना है सबको पूरा साफ करना। क्या हुआ अरे मैंने बोला नहीं, मैं निर्मल टंडेल करके सर्किट को इतना काम है उतना काम है, रोड में भी साफ करना पड़ेगा, रोड का पत्ता उठाना पड़ेगा, रोड का जितना भी डस्ट है सब उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे ऐसी वीडियो रोड को साफ करना पड़ेगा, वीडियो बनाते रहते यूट्यूब पे, इसलिए वो कुछ भी करते हैं वीडियो बनाते रहते हैं। साफ करना पड़ेगा रूम, रूम की सफाई कर रोड साफ करना पड़ेगा, पत्ता उठाना पड़ेगा, पहले लेने के पैसे की किस्त नहीं बने कि बाथरूम में साफ कर रहे हैं हम लोग, हाउस क्लीनिंग का काम है। देखो इधर ऐसे रहता है विदेश में, हाउस क्लीनिंग काम ठीक है। लेबर लोग को कपड़ा है ना, लेबर लोग को कपड़ा कपड़ा लेके जाओ, लॉन्ड्री लेके जाओ, उधर का कपड़ा बेड सीट इतना इतना काम करना पड़ रहा है। रोड रोड क्लीन, टॉयलेट बाथरूम पूरा साफ करना है। एक आपको पूरा घर को नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टॉयलेट बाथरूम है साफ सफाई करना पड़ेगा, बेडशीट चेंज करना पड़ेगा, लॉन्ड्री डालना पड़ेगा, रोड में जितना कचरा है सब उठाना पड़ेगा। अभी जो जैसे आज बहुत धुला है, बहुत हुआ है मतलब पत्ता पुत्ता धुला, जितना भी डस्ट है, जितना भी क्या बोलते हैं मट्टी है, ज़्यादा जितने डस्ट है सब उठाकर फेंकना पड़ता है। ठीक है देखिए ऐसे ऐसे इधर काम, देखो
लोग सोचते हैं कि विदेश में पैसा है ऐसा नहीं, पैसा नहीं है बाबा, बहुत मेहनत करना पड़ती था। देखो विदेश में आकर सब सोचता है घर वालों विदेश में आया पैसा वो है, ऐसा नहीं है, रियल कहानी है सब। आप लोग जितना भी जितना दिखाता हूँ ये सब रियल कहानी है। आने से पहले आप लोग अभी तो नेटवर्क जमाना हो गया है ना, नेटवर्क जमाना हो गया, अब देख लेंगे आने का ऑस्ट्रेलियन कैसे काम रहता है, किस तरह से करना पड़ता है, क्या क्या काम है। ठीक होने के बाद आपको ये मिरर भी साफ करना पड़ता है, देखो टॉयलेट का मिरर है, टॉयलेट का मिरर भी साफ करना पड़ेगा। देखो 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 पूरा साफ करना पड़ेगा, सही है ना। ओ मेरा गाड़ी में पानी गया हुआ, आप लोग दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं गाड़ी में रखता हूँ। देखो ऐसे पूरा साफ करना पड़ेगा, देखो देखो दादा आओ देखो कैसे रहता है, कैसे साफ करना पड़ता है, देखो इसमें काम पैसा कमाना इतना इजी है नहीं है भाई। देखो पूरा इधर आदमी लोग इधर था वो लोग पूरा कचरा कर रखते हैं, ठीक है ना, पूरा कचरा कर रखते हैं, पूरा साफ करना पड़ेगा, ऐसे इतना डर्टी है सब साफ करना पड़ेगा, देखो सब साफ करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप सब साफ करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं इसके इसके अलावा भी बहुत से स्टेप है, बहुत से स्टेप है हमको करना पड़ता है। तभी देखो ये पूरा गेस्ट लोग जितना भी इधर रहता है ना लेबर लोग, लोग ठंडा पानी के ठंडा पानी से खाने के पूरा उसमें रखता है, पानी ठंडा कर रखता है, यदि इधर का जो नॉर्मल पानी है पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है ना, गर्म हो जाता है। देखो इधर पूरा डर्टी हो गया, अब देखो कैसे साफ करते हैं, देखो पूरा गंदा हो गया, पूरा साफ करना पड़ेगा। देखो क्या करें, करना पड़ेगा ऐसे ही है, इधर का हॉस्पिटल जॉब, ठीक है ना, टॉयलेट साफ किया, अब वो देखा है टॉयलेट साफ किया, उसके बाद जो जितने नहाते हैं जितने नहाते हैं सिंक साफ किया, बेड बेड बना दिया, इधर टाइम लगता है, ठीक है ना, इस तरह से रहता है काम, हॉस्पिटल हॉस्पिटल ये होता है कितना देर लोग साफ नहीं किया। देख रहे ना, देख दिस इज द हाउस कीपिंग जॉब, हम लोग का इस तरह से करना पड़ता है। इस तरह से अपना अपना इसमें अब एक 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 हॉस्पिटल का जो ये रूम दिया रहता है सफाई करने के लिए आपको 40-50, 30-35 एक 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 दिन में आपको साफ करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ता है, देखिए ना आप, देखिए देखो ये भी पूरा डर्टी हो गया, पूरा साफ करना पड़ता है, ठीक है, हम देखना आपको सामने में साफ कर देते हैं, पानी गया सब चला जाएगा, इधर सब चला जाएगा,
नहाने का जगह है, अच्छा दिया है सब साफ हो गया। इसका अलावा इसमें भी साफ करना पड़ेगा, ये भी देखो डर्टी है, कभी कभी इसको भी साफ करना पड़ता है। इधर सामने का जगह है तो भी साफ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना पड़ता है, इस तरह से आपको काम करना पड़ता है। ये सब हाउस के में काम है, जो काम बंदा जो हाउस के में काम करने आता है उन लोग के लिए ऐसे काम है। इतना आ जाए इजी है नहीं, बहुत टफ है जॉब, इधर इससे ज्यादा इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको वैसे थोड़ा ज्यादा मिलता है, बस यही है, 5,000-10,000 रुपये ज्यादा मिलता है, बस यही यही अंदर। लेकिन काम आपको दबा के काम करना पड़ेगा, इधर दबा के काम करना पड़ेगा। आपको काम कॉस्ट्यूम काम कैसे रहा था आप लोग देख लिए, अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है हम लोग का काम, सफाई करके सब सफाई कर दिया, करने के बाद सब कपड़ा फोड़ा बेड फेड सब सेट कर रहे थे, अभी सीधा उसको लॉन्ड्री को उठाने का, सीधा लॉन्ड्री में डालने का, और जितना भी दूसरा काम है फिर बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो हाउस में जो कैंडिडेट का जो काम रहता है पूरा नीट एंड क्लीन करना पड़ता है, जिंदगी का है, और बस यही है। आप लोग दिखा दें कैसे काम करना है, कैसे करते हैं हाउस में लड़का लोग, रियल स्टोरी आप लोग देखा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात।